चिंतन चिंतन रामायण से ली गई है। रामचरितमानस में राम सीता और लक्ष्मण वनवास जाते हुए नदी पार करने के लिए नौका लेते हैं। अब भाई नौका चलाने वाला नाविक जो है इन तीनों को पार तो उतारता है, लेकिन पार उतर करके राम सोचते हैं कि इसको किराए के रूप में क्या दें। हम तो वनवासी बनकर आए हैं, सब कुछ त्याग कर, कोई आभूषण नहीं, कोई पैसा नहीं, केवट देख रहा है श्री राम की ओर नाव चलाने वाला नाविक। और श्री राम चिंता में पड़ते हैं तो सीता जी तुरंत मन की बात जान लेती है और अपने हाथ से अंगूठी उतार के स्वामी को देते हुए कहते हैं, ये लीजिए प्रभु, केवट को ये दे दीजिए। राम सोचते हैं कितनी जल्दी सीता मेरे मन की बात पढ़ लेती है। और सीता मन ही मन कहती है, क्यों ना पढ़ लूं, आपके मन में जो रहती हूं। पति पत्नी एक दूसरे के मन की बात बिना कहे जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, क्योंकि मन मंदिर में निवास करते हैं। मधु लिखती है, मेरी माता श्रीमती कमलेश बजाज, जिनका निधन 15 मार्च को हुआ। और जानते हैं आप, 15 मार्च को मेरे माता पिता की 64वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी। अब मेरे पिताश्री तो 9 बरस पहले आज ही के दिन दुनिया से विदा हो गए थे, 26 मार्च को। अब देखिए आज उनकी बरसी भी है और माता जी के प्रस्थान की तैयारी, कल उनका अंतिम संस्कार है। पिताश्री ने एक बार, पिताश्री हरिचंद बजाज साहब ने, भावुक हृदय कवि थे वो, उन्होंने एक कविता लिखी थी अपनी पत्नी के लिए। ऐसा लग रहा है कि आज वो गूंज रही है हमारे घर में। पिताजी ने माताजी को यानी अपनी पत्नी कमलेश बजाज को काव्य में 4 लाइनें लिखी थी कि अब आ भी जा कि तेरा कब से इंतजार है। स्वर्ग से वो आवाज आ रही थी, अब आ भी जा कि कब से तेरा इंतजार है, मुझसे मत पूछ मेरे जीवन साथी, मुझे तुमसे कितना प्यार है। चिंतन